हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पाया करी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। आप भी इस तरह से एक बार पाया करी जरूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पाया करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बकरे का 4 पैर लिया है, जिसे मैंने अच्छे से साफ करवा के इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बकरी का थोड़ा सा चर्बी भी लिया है, जिससे कि हमारा जो पाया करी है वो बहुत ही ज्यादा लजीज बनेगा। देखिए, मैंने इस तरह से इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसके लिए हम मसाला रेडी करेंगे। 2 इंच अदरक, 1 पूरा लहसुन, 5 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 3 टुकड़ा दालचीनी। इसमें थोड़ा सा दालचीनी ज्यादा पड़ता है। अब हम एक मिक्सर के जार में इन सभी को ऐड कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कुकर को गर्म होने देंगे। कुकर गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता ऐड कर लेंगे। अब इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 4 मीडियम साइज के स्लाइस किया हुआ ऑनियन ऐड करेंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम पाया और चर्बी को ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पाया को हम मीडियम फ्लेम में ढक के अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए, पाया अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मीट मसाला ऐड कर लेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाला को हम ढक के मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं टोटल 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि इसे गलने में बहुत टाइम लगता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में 15 से 16 सीटी आने तक पकने देंगे। देखिए, इसमें 1 सीटी लग चुका है। अब हम इसी तरह से इसे 15 बार सीटी लगा लेंगे। देखिए, इसमें 15 बार सीटी लग चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें अच्छे से प्रेशर भरने देंगे। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को अच्छे से ठंडा होने देंगे।
देखिए कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन हटा देंगे। देखिए कितना बढ़िया पाया करी बन के रेडी है। अब इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ एक पाया को कि वो कितने अच्छे से गल चुका है। देखिए हमारा जो पाया है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पाया करी को सर्व कर लिया है। देखिए हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पाया करी बनके रेडी है। ये दिखने में जितना लजीज लग रहा है उतना ही ज्यादा खाने में भी लजीज है। आप भी इस तरह से एक बार पाया करी जरूर बना के देखिए। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। आप एक बार इस तरह से पाया करी बना लेंगे तो आप इसे जरूर बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।